Hello everyone, myself Alok Kumar Srivastav. Today I am taking a lecture on light chapter class 10th. So aaj hum log class 10th ke light chapter ka first video lekar aaye hain. Isme hum log discussion karenge nature of light, characteristics of light. Aaj hum log nature of light ke bare mein padhenge, light ke character ke bare mein padhenge. To is video ko हम स्टार्ट करते हैं. सुनाओ, इधर देखिए, नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है. लाइट ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द रे. तो लाइट को समझने से पहले उसके रे को समझिए. रे क्या होती है? रे भी लाइट ही होता है. लाइट ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स, लाइट जो है पहली चीज कैसे ट्रेवल करती है? सोर्स से. विद द हेल्प ऑफ सोर्स लाइट ट्रेवल करती है. कौन से सोर्स हो सकते हैं? दो तरीके के सोर्स हो सकते हैं. पहला सेल्फ ल्यूमिनस, दूसरा ल्यूमिनस. तो सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है? सेल्फ ल्यूमिनस जो खुद लाइट को इमिट करे, जो खुद जिसके अंदर से, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से खुद ही लाइट इमिट होती है, सेल्फ इमिट होती है लाइट, उसको बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस. और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? जैसे कि बुक हो गई, ठीक, ये बोर्ड हो गया, जहां से सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, लाइट वहां से जनरेट नहीं करी जा सकती, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ल्यूमिनस. अब हम लोग यहां पे चलते हैं. इतनी बात क्लियर हो गई है कि लाइट जो है सोर्स से, किसी सोर्स से लाइट ट्रेवल करती है. उसमें हम आगे बढ़ते हैं. तो वो जो सोर्स से लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, लाइट का जो पाथ है वो एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है. तो इसी को जब लाइट किसी सोर्स से निकलती है और स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है तो हम लोग उसको रे बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद आगे देखते हैं, जो ये रे है, जो ये रे नेचर है, हैज बीन यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विच इज आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों अपने लाइफ में डेली एक्सपीरियंस करते हैं. विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन सी ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वी नो दैट, ठीक है. उसके बाद रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन जो तारे ट्विंकल करते हैं वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, जबकि रियल में कुछ और फिनोमिना होता है वहां पे, ठीक है. तो सम काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ओके. सो यहां देखिए जो रे होता है नेचर, हम उसकी जब स्टडी करते हैं तो हमको पता चला कि लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन से लाइट शो करती है, ठीक है. अब हम आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट का पहला जो कैरेक्टर है वो स्पीड पर है, ठीक है. जो लाइट की स्पीड होती है वो 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम में, जैसा कि लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है. ये लाइट की स्पीड है. और लाइट की स्पीड वाटर में 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है. ये लाइट की स्पीड वाटर में देखी गई है, ठीक है. और यहां से आपको देखिए दोनों में चेंजेस दिख रहा है, ठीक है. काफी मासिव डिफरेंस है दोनों में रिगार्डिंग टू लाइट, ओके. यहाँ पे भले ही एक न्यूमेरिकल की वैल्यू कम ज्यादा है, ठीक है, 0.75 का ही डिफरेंस है, बट वो बहुत मासिव डिफरेंस होता है, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ग्लास में क्या लाइट की स्पीड होती है. जो लाइट की स्पीड ग्लास में होती है वो 2×10^8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है. तो पहला करेक्टर लाइट का क्या होता है, उसके स्पीड की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है. लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट स्पीड वैक्यूम में, एयर में इतनी होती है, ठीक है, और 8 मीटर होती है, 8 मीटर पर सेकंड. लाइट की स्पीड वाटर में क्या बोलते हैं? 2.25×10^8 मीटर पर सेकंड होती है वाटर में. ग्लास में 2×10^8 मीटर पर सेकंड होती है. यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है? अभी हम आगे बढ़े, इसमें हम करेक्टर पहला कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर चुके हैं, हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, ठीक है. द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो यहाँ पे वही बात कह रहा है, जो द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. यहाँ पे देखिए, फ्री स्पेस और वैक्यूम ये एक अलग मीडियम है और वॉटर एक अलग मीडियम है. तो जब दो अलग मीडियम पे लाइट की स्पीड सेम तो नहीं रह रही है ना. वैक्यूम में तो
3.3 × 10⁸ m/s है, और वाटर में 2.25 × 10⁸ m/s है, तो डिफरेंस आ रहा है। तो यही यहाँ पे करेक्टर लिखा है, ये करेक्टर भी है तो लाइट का, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन किए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं लाइट के, क्या है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द स्ट्रेट लाइन। हमने पहले ही बता दिया है कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ये लाइट का नेचर है, ठीक है। तो उसी नेचर को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखना है, ठीक है। तो लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। कहीं आप अगर देखिए रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन लिखा है, तो उसका मतलब यही है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। मुझे लगता है आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर होंगी एकदम, ठीक है। इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है पॉइंट, द लाइट गेट्स रिफ्लेक्ट व्हेन इट फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। तो ये तो पता ही है रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये तो रिफ्लेक्शन बता रहा है, ये पॉइंट रिफ्लेक्शन ही बता रहा है। रिफ्लेक्शन क्या बता रहा है, द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस। तो जब भी लाइट क्या बोलते हैं किसी पॉलिश सरफेस पे गिरती है, पड़ती है, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट के, ठीक है। इसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पर, वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन द लाइट सोर्स। जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो लाइट सोर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसको आप हमेशा ही याद समझ के चलिएगा, इसको हमेशा ही ध्यान में रखिएगा कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके सोर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करती है। इन एवरी मीडियम लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है, ठीक है। अगर हम लोग सोर्स को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो सोर्स अगर मेरा कांस्टेंट है, अगर हम कोई एक सोर्स ही लिए जहां से लाइट, जैसे टॉर्च लिया है, ठीक है, तो उसमें से जो लाइट निकल रही है उसका फ्रीक्वेंसी हर मीडियम में, चाहे वाटर में, चाहे एयर में, चाहे वैक्यूम में, वो सेम रहेगा, ठीक है, सोर्स पर डिपेंड करता है। आई होप आपको इतनी सारी आज बातें क्लियर हुई होंगी लाइट चैप्टर के बारे में, ठीक है। आज ये मेरा पहला वीडियो है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है, ये मेरा पहला लेक्चर है। आप लोग अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम ऐसे ही हम लोग आपको आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इन अ सिंपल लैंग्वेज में लेकर आएंगे। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसको लेना है। हमें लगता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो दूसरे लाइट चैप्टर के दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।